हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जब मैं फिर से किचन में आ गई और प्याज मेरी आंखों में लग रही है। और मैंने आलू और शिमला मिर्च को धो के कट कर लिया है और इधर चढ़ा दिया है कुकर। और इधर अमित जी आज मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये है कि बस मैं कर रही हूँ और करना तो पड़ेगा ही, वो वाली सिचुएशन है। तो अभी जो है मैं बारीक बारीक प्याज को कट कर रही हूँ और इसमें डायरेक्टली डाल रही हूँ आज कुकर में, क्योंकि एक तो मौसम में चेंजेस हो रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि होती हैं। अभी साथ साथ जो है हम सब अपने जो है काम भी करते रहेंगे। और ये देखिए, मैंने बारीक बारीक जो मेरा प्याज था वो कट करके इसमें डाल दिया है। और मुझे आज काफी सारा सामान आया है जिसकी ओपनिंग करूंगी मैं और सब लोग भी बनाऊंगी। और थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए लोग नहीं बना पाई। और अभी जो है मैं प्याज को करने के लिए रख दिया है, पंखा चला रखा है, पंखा आंखों में लग रहा है क्योंकि प्याज जो है वो हो रही है ना, तो उसकी वजह से अभी जो है इधर जो है मैं इसमें जीरा भी डाल दूंगी थोड़ा सा। और ये देखिए भाई, मैंने जो है जीरा भी इसमें डाल दिया है। और ये मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ आज। जब तक मेरा प्याज ब्राउन है तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। और मेरा प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया था, सारा काम चल रहा है। आज उस हिसाब से मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई है इस हिसाब से मैं करती थी, बट मैंने फिर भी किया है, मैंने छोड़ी नहीं है एक्सरसाइज। आपको लगता है कि मैंने स्किप कर दिया? नहीं, स्किप मैं कभी नहीं करती। और अभी हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी जो है मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। और ये देखिए गाइस, अभी जो है मैं इसमें बारीक बारीक कट करके टमाटर जो है ऐड कर लूंगी। और टमाटर और इसमें मैं डालूंगी दो हरी मिर्च स्वाद के लिए, ताकि इसका जो स्वाद है वो थोड़ा तीखा और अच्छा हो जाए। और मिर्च को मैं वॉश कर लेती हूँ। अब मिर्च को मैंने वॉश करके कटिंग करके डालना शुरू कर दिया। ये देखो भाई, हरी हरी जो है कर दिया है। और अभी इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी मैं। और ये अभी नई मसाला दानी मैंने निकाल ली है। अभी मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी और मिर्ची भी ऐड करूंगी। देखिए नमक ऐड होगा और ये सारे मसाले जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए। और मैं इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए और हल्की सी क्वांटिटी में 2 से 4 बूंदे मैं इसमें पानी की ऐड करूंगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और
देखो मेरा मसाला ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुका है, तो जैसा कि कम कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि मसाले में ऐड होते हैं, ये जो मेरा आलू और शिमला मिर्च कटा हुआ रखा है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए भाई, मैंने परफेक्टली सारे सब्जियों को जो है इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है सब्जी के ऊपर मेरी, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर सब्जी का दिख रहा है। दिखाती हूँ आप, ये देखिए कितना प्यारा सा सब्जी मेरा लग रहा है। और अभी मैं इसको जो है बंद कर दूंगी। और इसको ऐसे करना होता है, ऐसे करने के बाद इसको और ये देखो परफेक्टली ये ऑर्गेनाइज हो गया। देखो ये कुकर थोड़ा अलग से रहता है, अभी मैंने इसमें जो है इसको पता नहीं मेरे इसमें क्या हो गया है, तो अभी ये हो चुका है। और अभी मैं अमित जी को बुलाऊंगी, वो ऑर्गेनाइज इसमें विसल लग चुकी है, और अभी सेकंड विसल के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। और तब तक हम लोग बनाते हैं रोटी। आटा मैंने गूंथ रखा था, और ये देखिए रोटी बनाने की पूरी पूरी तैयारी। और फिर खीरे कपड़ी ककड़ी को काटेंगे गोश्त करेंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। और हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, और अभी हम इधर बनाएंगे रोटी। देखिए इधर बनेंगे रोटी, और आप लोगों ने क्या खाया कमेंट में बताइएगा जरूर। क्या हो गया फिर नीचे से वहां, अरे मैंने इसको चला दिया है। मैं जो है रोटी शेक में शुरू कर देती हूँ। और मैं इधर जो है और मैं अभी बनाने लगी हूँ रोटी। आप लोग क्या करेंगे कमेंट में बताइएगा जरूर। और ये जो है और गैस साथ साथ इधर रोटी सिक रही है,
और इधर अम्मी जी जो है खीरे को कट कर रहे हैं, क्योंकि खीरे भी के बिना ये नहीं खाते हैं। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, खीरा इनको चाहिए होता है, सैलेड के बिना ये नहीं खाएंगे। खीरा और ककड़ी काले नमक से इनका फेवरेट है, वो ही लाई हूँ मैं इनके लिए। और साथ ही साथ इनकी रोटी भी सिख रही है, सब्जी भी रेडी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी आप लोगों को मैं पूछ रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइए, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और हमारा तो साथ ही साथ यही काम चल रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही हैं। वो आज थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी बट अभी ठीक है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी रोटी सीख जाए, बाकी रोटियां सीख रही हैं, सैलेड भी सीख रहा है, तो बाकी टाइम टू टाइम सब हो ही रहा है। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मैं रोटी ऐसी ही बनाती हूँ, अम्मी तो बहुत सारी रोटी खाते हैं, देखो वो जरा सी भी मोटी रोटी हो जाए तो वो नहीं खाते, तो कहते थे उठाओ तो नहीं खाते। मुझे उनकी हैबिट का बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं वही चीज फॉलो करती हूँ जो उनको अच्छी लगती है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस? अच्छा साथ ही साथ मैं अपना भी कर लूंगी। और गाइस हम लोग का खाना रेडी हो चुका है, और अमित जी का खाना बिल्कुल रेडी है, और अभी आया है वीरू भी, और हम लोग अभी खाएंगे खाना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही।